नमो नारायण सिंह, प्रधान अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय अमहर रसड़ा। क्या मामला है सर, अभी आज धरने पर बैठे हैं आप? धरने पर बैठने का कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय बैठक लिए थे 18 तारीख को DBT प्रकरण पे। उसमें रसड़ा ब्लॉक के प्रधान अध्यापक, सब कुछ सहायक अध्यापक, नोडल और प्रभारी प्रधान अध्यापक उपस्थित हुए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जब पहुँचे तो पहले ही नाम प्रस्तावित किए कंपोजिट विद्यालय अमहर। कंपोजिट विद्यालय अमहर के प्रधान होने के नाते मैं गया पास में उनके और उनसे कहा कि सर प्रणाम। प्रणाम का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि DBT क्यों नहीं हो रहा है? हम कहे सर हो रहा है, पूर्ण क्यों नहीं हुआ? तो हम कहे सर पूर्ण नहीं हो पाया है, कुछ अन्य परिस्थितियाँ हैं, टावर की बात है, कुछ अन्य समस्याएँ हैं, ये हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि कब तक कर लोगे? हम कहे सर कब तक कर लोगे? तो हमने कहा कि सर कम से कम उम्र का तो ख्याल करिए, हमारे और उम्र में 20 साल का अंतर है, भाषा पे कंट्रोल करिए सर। तो उनका वक्तव्य है कि सीधे सस्पेंड कर दूंगा। हम कौन है? हम कहे सर आप हमारे नियुक्ता हैं, सस्पेंड ही नहीं करूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। हम कहे ठीक है सर, सस्पेंड कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए, इसके बावजूद भी काम कराऊंगा। हम कहे ठीक है सर, नियुक्ता है, आप सस्पेंड कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए और काम कराइए। कब हम कह रहे हैं कि काम नहीं करेंगे? बच्चे वो हमारे हैं, काम हमारे विद्यालय पे कौन अध्यापक नहीं करता है? कौन भाग रहा है कि हम काम नहीं करेंगे? तो इसी बात पर उन्होंने बैठा रहा। जब सभी प्रधान अध्यापक अपना बारी बारी से बुलाए और साहब की लैंग्वेज भी बदल गई, हमारी अध्यापिकाओं को भी भोजपुरी में भी साहब कहने लगे कि आप 3 दिन में कॉल लेंगे ना। आज हम बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं और यह बेसिक शिक्षा अधिकारी जो अपने को बेसिक शिक्षा अधिकारी न महसूस करके एक हिटलरशाही रवैये को अपना चलाना चाहता है, उसके विरोध में हम दरी पे बैठे हुए हैं। सर क्या विवाद है, किस विवाद को लेकर यह आज धरने पर बैठे हैं? साथियों विवाद का कारण तमाम है इसके साथ, और इसके उदाहरण स्वरूप अभी 355 और 151 और 50 विद्यालय के शिक्षकों का वेतन बाधित किया गया था। और आपने देखा होगा, पेपर के माध्यमों से भी सुना होगा कि अभी 13 तारीख को उन तमाम साथियों की बहाली करने का भी कार्य हुआ, और इसके पूर्व भी 355 साथियों का वेतन यह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रोक दिया था, माह सितंबर के महीने का वेतन रोक दिया था। और जब हमारी और इसकी वार्तालाप हुआ तो फिर वह बहाली का आदेश भी दिया, लेकिन मौखिक दिया, और वह आदेश पुनः 1 महीने बाद क्रियान्वयन किया और पुनः तमाम लगभग 700 साथियों का वेतन बाधित कर दिया। जब उसकी लड़ाई में उसके सामने रखा तो उससे विचलित होने लगा और 24 तारीख को अपने आवास पर ले जाकर के तमाम साथियों की पत्रावली अपने घरों में रखा और 12 तारीख की रात्रि 8 बजे तक एक भी शिक्षकों का आदेश नहीं कर पाया था। बाध्य होकर के प्राथमिक शिक्षक संघ उनके तमाम धड़ों के साथियों ने लगभग 8 बजे रात्रि को उसके साथ वार्तालाप किए और उसे अल्टीमेटम दिए कि अगर 11 बजे तक इन शिक्षक साथियों के बहाली का आदेश आपके द्वारा नहीं दिया जाएगा, वेतन अवरुद्ध का आदेश नहीं पारित किया जाएगा, तो हम बात धो करके 13 तारीख को 12 बजे आपके कार्यालय पर दरी बिछाएंगे। लेकिन उससे उलट रास्ता हुआ, उन्होंने 13 तारीख को 11 बजे लगभग 300 शिक्षकों का निलंबन वापसी, 1 दिन का वेतन बाधित का आदेश पारित किया और उस तिथि को 13 तारीख का हमारा कार्य जो बाधित करने की व्यवस्था थी वह स्थगित किया गया। और पुनः यह बेसिक शिक्षा अधिकारी एक अपने को व्यवस्था बना करके रखा है कि हम शिक्षकों के विद्यालय में जाएंगे, उदंडता के साथ पेश आएंगे और जब शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उन साथियों के माध्यम से अपने लुच्चे लफंगे को पाल करके रखा है, उसके माध्यम से 10,000 प्रत्येक अध्यापकों की व्यवस्था से वह यह कार्य करने की व्यवस्था बना करके रखा है। यह लुच्चा लफंगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।